तो आप सबको ईद मुबारक। स्वीटी का मुंह क्वेश्चन से भरा हुआ है। मतलब ढूंढ साइड ढूंढ। आज मैंने एक चीज तोड़ दिया है। मार्केट तोड़ ग्रेट। अरे तोड़ा नहीं है, वो टूट गया। हाँ, तोड़ा नहीं है, टूट गया। आपने ऐसे था टकरी गिर गया, इतने हाथ भी नहीं लगा। अरे नहीं आज इसको साफ करने के चक्कर में पूरा साफ कर दिया। अरे इसको निकालने गई, सब निकाल ऐसे ऐसे करके रख रही थी। ये वाला उसका जोड़ी वाला था सनफ्लावर का, वो कैसे गिर गया, मतलब साफ कर दिया। पता नहीं वो यहाँ से टूट गया। कभी नहीं होता इतना मोटा वाला। ये वाला जो चीज है ना, ये नॉर्मली टूटता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टूटा नहीं, बोलो ना, ये मोटा है। चल हो गया तो क्या करो, गिरा भी कैसे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये साफ तो हो गया, लेकिन ढूंढना लेने जाना पड़ेगा। भगवान के लिए फूल और मिठाई लेने के लिए मार्केट जा रही थी, तो पहले सोचा पहले माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके जाते हैं। आप लोग भी दर्शन कर लो, मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी होती है। और अभी मलाड मार्केट, नटराज मार्केट आए हैं। वाह क्या लाइट है, मस्त। कुछ सामान लेना है और मिठाई वगैरह लेना है भगवान के प्रसाद के लिए। तो ये अभी आते आते लेट हो गया, इतना ट्रैफिक है ना, मस्त लगता है ये। और ये मलाड मार्केट के वहाँ पे अभी रास्ता के अभी काम चल रहा है, तो मुझे मिठाई लेना था तो मैं रुक जाती हूँ। और मैं ना लिस्ट बना के लेके आती हूँ, व्हाट्सएप में ही मैसेज कर देती हूँ सांतनु को। लेकिन जाते जाते एक दुकान दिख गया, तो वो लिस्ट में मेरा एक सामान था, तो मैं सोचा था बाद में लूँगी, एक पट्टी टाइप का लेना था। तो यहाँ पर आके देखो कितने सारे वुडन कार्विंग टाइप का चीज़ें, इतना खूबसूरत लग रहा था ना देख के। मतलब एक सिमिलर टाइप थोड़ा बहुत वैसे ही चीज़ें चाहिए था, तो वही देखने के लिए। लेकिन जो दुकान वाले थे वो नहीं दिख रहा था, मुझे लगा शायद वो नमाज पढ़ने चले गए। सांतनु चना देख के रुक जाते हैं, सांतनु को बहुत पसंद है ये चना। और ये भिगोया हुआ बादाम का, दो कपूर ये 20 का। और फूल लेना तो हो गया, प्रसाद लेने जाना है। तो मिठाई का दुकान से पहले ना ये सारे ज्वेलरी का दुकान दिख गया, मतलब स्ट्रीट साइड में जो बैठते। तो मुझे किसी को गिफ्ट देना था और स्वीटी के लिए भी एक छोटा सा कुछ लेना था, क्योंकि ईद है ना। तो आप सबको ईद मुबारक। स्वीटी हमेशा से क्रिसमस हो, ईद हो, दिवाली हो, छोटा सा उसको कुछ गिफ्ट चाहिए। तो क्योंकि उसका दोस्त था ना, तो वो बोलते थे मम्मी हमेशा उसको ईद ही मिलता है, तो मुझे क्या ईद ही मिलेगा। तो मैं बचपन से उसको छोटा सा ही कुछ लाके देती हूँ हर फेस्टिवल, कोशिश करती हूँ बच्चों के हिसाब से सेलिब्रेट करने के लिए। जैसा क्रिसमस में उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है, तो मैं स्वीटी के लिए एक कान का लिया है और एक बैग टाइप का कुछ लिया है छोटा सा। वो खुश हो जाती है, क्योंकि उसका दोस्त जब भी मिलता था वो बोलती थी मम्मी उसको ये सारे ईदी में मिला है। तो देखो छोटे बचपन से मैंने उसको सभी धर्म को मानना या सभी धर्म को रिस्पेक्ट करना वो सारे मैंने बचपन से सिखाए, क्योंकि मैंने भी वही सीखा है। तो मैं वही नेक्स्ट जनरेशन को भी वही सिखाऊंगी। तो ईद में आप सब ने क्या किया, बिरयानी बनाए, सिवैयाँ बनाए, मेरे लिए भी ज़रूर भेज देना, क्योंकि बहुत हलचल दिख रहा था ना मार्केट में, मुझे बहुत खुशी मिल रहा था। और भीड़ भी था, क्योंकि शाम के बाद से भीड़ बढ़ रहा था, क्योंकि सब अभी रोज़ा खोल के उसके बाद शॉपिंग के लिए जाए। तो देखो मेरे हाथ पे ये डंडा, यही वाला पट्टी, बाद में मुझे दुकान पे फिर से गई तो देखिए दुकान वाला आ गया था, तब तक मैंने लिया था। और यहाँ पे मिठाई वगैरह लेना था, लेकिन समोसा बड़ा देख के सांतनु बोले समोसा खाते बड़ा खाते, मैं बोले नहीं रुको पहले मैं मिठाई ले लूँ भगवान के लिए।
आज तो सूजी दिया, तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि। आप नवरात्रि में क्या क्या बना रहे हो वो भी बताना। और कल मीठा चावल दिया था, तो मैं सोचा नहीं अभी सूजी मीठा चावल हलवा ये सब भी बनाऊंगी क्या। बूंदी का लड्डू भगवान को चढ़ाना है, तो शांतनु को वही बोल के लेके आई, मैं बूंदी का लड्डू लूँगी और काजू कतली, एक पाइनएप्पल काजू कतली ट्राई किया, तो उसके बाद लगा थोड़ा ड्राई टाइप का लगा, तो नॉर्मल काजू बर्फी जो होता है, काजू बर्फी यहाँ पर काजू कतली बोलते हैं, तो काजू कतली ले लिया थोड़ा सा और थोड़ा सा बूंदी ले लिया। गाठिया नहीं बजोला? फापड़ा फापड़ा। अन्य ये तो मस्त फापड़ा है, और ये पापड़ी, ये है गठिया, ये है सेव, टिक्का सेव, ये भी है सेव। और मुझे सुगंध वाला जो गुलाब आता है ना, जो गुलकंद में देते हैं, वो वाला लेना था। वो मैंने अपने जो सामने वाला मार्केट है वहाँ पे भी ढूंढा, वहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे भी मलाड मार्केट के यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है, उसके आसपास में बहुत सारे फूल का दुकान है, वहाँ पे भी ढूंढ रही है, तो वहाँ पे भी नहीं है। एक जन के था, उन्होंने बोला नहीं बिक किया, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहा है ना, तो जो अच्छा वाला फूल होता है वो बिक किया। उसका पैकिंग अनबॉक्स हो गया, सब खोल कर देख लिया कि क्या क्या लाया। सब बच्चे के सेम कहानी, फाफड़ा कि झापड़ा, फाफड़ा खाएगा कि झापड़ा खाएगा, स्वीटी फाफड़ा खाएगा कि झापड़ा खाएगा, झापड़ा भी खाओ तुम्हारा झापड़ा, अब दिखाओ तुमको स्वीटी मजरे झापड़ा देखना तुमको। नहीं नहीं, लेकिन मैं नहीं दिखा पाऊँगा। और ये लाल फूल लेके कितना सुंदर लग रहा है ना, माता रानी के लिए और भगवान के लिए। और ये जो कांटा है ना, मैं बोला रखो यहाँ पे टांग के रखती हूँ, पहले भगवान को दे के आते, उसके बाद एक हाथ में ऐसे ही, अगर झुंड पे रहो ना कितना सुंदर लगता है, दिखने में सुंदर लग रहा है। मुझे फूल ये सब बहुत पसंद है। इसीलिए सुबह सुबह मैं बर्तन धोने, शांतनु बोल रहा है, शांतनु भी हेल्प करता है, लेकिन वो बर्तन भाई उससे धुलाने से ज़्यादा मैं खुद धो लूँ वो एक घंटा लगा देगा। बर्तन धोने से स्टार्ट। हाँ, मेड नहीं आएगी, मुझे डिश वॉशर की ज़रूरत है, इधर कुछ व्यवस्था करो। हाँ। जगह तो है लेकिन वो पाइप लाइन अलग से करके लेने पड़ेगा अभी डिश वॉशर, अभी अर्जेंट हो गया। अभी ऑर्गेनाइज नहीं है, उसने मैंने कुछ सामान ऐसे ही रख दिया, फिर से ऑर्गेनाइज करेंगे, प्लीज इग्नोर करना मुझे, क्योंकि ये ड्राई एरिया ना, ये जगह एक्चुअली ये ओपन रहता है, ये ओपन रहता है, ये क्लोज रहता है, मतलब इतना दूर तक ये ड्राई एरिया, अभी तक ये जगह ऑर्गेनाइज नहीं हो, लेकिन यहाँ पे डिश वॉशर भी मुझे मस्ट है, ये तो मस्ट हो गया, हर घर पे होना चाहिए, बोल मुझे अभी लग रहा है। जब तीन चार जगह फोन किया, अभी वो लोग बोले दीदी 4 बजे के बाद आ पाऊंगी, 5 बजे के पूछा भी बाकी है, स्वीटी चल रहा है, पूछा स्वीटी कितना दूर हुआ, हो गया कारपेट भी तो डाल दो। स्वीटी ने, स्वीटी घर का पूछा कर रही है, ये वाला घर भी हो गया। पूछा बढ़िया से।
डोसा को तवा फ्राई किया जा रहा है। कल मैंने डोसा बनाया था सुबह में, शाम तीनों के लिए बनाया था तो दो रह गया था। अरे उसको क्या किया, कूट कूट के छोटा छोटा किया। आज बहुत कुछ है, ये मेरा फेवरेट वाला है। ब्रेड से कबाब, ब्रेड का ये वाला पार्ट, ये वो लास्ट वाला, इसीलिए बचा के रखा था। हाई डिमांडेड है, उनको नहीं अच्छा लगता ना। मुझे कभी कभार अच्छा लगता है, शांतनु को पाव का फीलिंग्स देता है। इसके अंदर इसके बड़ा बीच में बड़ा, चलो एंजॉय। और चाय को ना इस तरह से उछालो, ये चाय वाले का ट्रिक है, लेकिन खाने में टेस्ट चाय वाला का ज्यादा टेस्ट होता है। अच्छा। इसीलिए क्योंकि ये उछालते हैं ना, ऑक्सीजन अंदर जाता है थोड़ा सा। मैंने देखा, मैंने दोनों ही ट्राई किया, बिना उछाले भी ये वाला, तो ये वाला ज्यादा टेस्टी होता है। शायद वो ट्रिक कुछ काम करता होगा। मैंने एक बार चाय वाले को पूछा था तो बोले ये ऐसे करके से ना ज्यादा टेस्ट बढ़ता है, तो उन्होंने बता नहीं पाया किस वजह से। स्वीटी ने बोला, स्वीटी बोल रहे थे शायद ऑक्सीजन जाता होगा। स्वीटी का आइडिया, क्योंकि चाय वाले को पता नहीं है कि, मैंने पूछा क्यों भैया, तो बोला बोलते हैं करते हैं अच्छा होता है। चलो अच्छा होता है तो हमको मतलब से देखो, एंड प्रोडक्ट से मतलब है, बीच में क्या हो रहा समझ में आने की जरूरत ही नहीं है। बीच में रीजन जाने की जरूरत नहीं होता हमेशा लाइफ में, रीजन छोड़ो। और ये चाय छाननी मुझे लाना पड़ेगा, ठोको ताली नहीं हो सकता, ठोक ठोक सिद्धू, इसलिए इन लोगों वाला अच्छा है। चाय वालों का छन्नी मुझे अच्छा लगता है, एक कपड़ा डाल दिया छान लिया, बेस्ट है। अरे ये चाय छन्नी शौक से लाया था, और उसमें एकदम निचोड़ के यूज किया जाता है। उसके बाद ना वो कपड़ा को दोनों तरफ से बांध के ना एकदम फुल निचोड़ते, एक बूंद भी नहीं रहता है। ये चाय छन्नी भाई बेकार, मतलब चाय पत्ती थोड़ा ज्यादा यूज होता है मेरा, थोड़ा कड़क हम लोग निचोड़ते, ज्यादा भी मत निचोड़ो वो निकल जाता है, खुलने वाला खुलता है। एक दिन हुआ था मेरा वाला पूरा है ना, फिर चाय के अंदर सब चाय पत्ती गिर गया, उसको डर है ना, तो डर नहीं रहता है अलग थोड़ा ज्यादा। मस्त चाय और बाहर का दृश्य, ये मेरे टेबल के साइड में जो जगह है ना वहाँ पे बदलो कॉल कर दिया। ठीक है, ठीक से देख लो, मैंने पहले सोचा था ये जगह को थोड़ा एक्सटेंड करके बैठने का वो गद्दा लगा के करूंगी, तो उसके बाद शांतनु ने बोला नहीं गद्दा वाला छोड़ो, ऐसे ही अभी तक, मतलब देखो अभी फ्यूचर में कर सकती हूँ लेकिन अभी तक नहीं। क्या कारपेंटर को बुलाया था, मतलब सब कुछ माँ बाप लेके गए, उसके बाद शांतनु बोला नहीं छोड़ो, क्योंकि नीचे का जो ये है ना यहाँ पे छोटे छोटे विंडो है, विंडो ही है मतलब खुलता है, ये खजाना जैसे ही बोल सकती हूँ। ये बेसिकली यहाँ से हिंज है, ये जो है ना नीचे से तीनों चार है ना, चार ये पूरा खुलता, मतलब ऐसे करके स्लाइड खोल के खुलता है, पूरा नहीं खुलता, एंगल होता है बेसिकली, हाँ इतना एंगल तक होता है। तो ये डक्टिंग के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि वो घर का अगर दरवाजा खोल दो, ये अगर खोल दो, अगर ये वाला भी बंद रखोगे तो ये अगर खोल दो ना मस्त हवा, तो शांतनु रहने दो या एक दो साल बाद देखेंगे, इसीलिए मैंने ये जगह, नहीं तो अगर ये कवर करोगे ना तो नीचे बॉक्स बन जाएगा स्टोरेज के लिए भी, तो ये पूरा पैक्ड हो जाएगा, किसी किसी ने पैक्ड करवाया, तो शांतनु रहने दो कुछ दिन। असली इसको मैंने खोल के कभी कभी रखती हूँ, तो कुछ तो अभी सोचा है नहीं, टाइल्स देखते हैं अभी क्या होता है, मैं खुद करूँगी ये जगह को, इसीलिए ये जगह ये वाला मस्त दिखता है, खोल के दिखाई देती कभी कभी साफ करने के लिए मैं खोलती हूँ। ये देखो इतना खोलता है मतलब काफी अच्छा। ये पहली बार मैंने किसी इतने सारे फ्लैट देखा था, लेकिन ये सिस्टम आप ऑटोमेटिकली पुश कर दोगे तो मतलब लॉक हो जाता है, और
खुलने का टाइम थोड़ा एक हिंज टाइप का है, हैवी है, खुलेगा नहीं और ये गिरेगा भी नहीं, क्योंकि सारे सेफ्टी वाइज तो बहुत ही अच्छा है। जैसा ये वाला दिया है और रेलिंग भी दिया है ना, कोई कोई बोलता है ना मैत्री बालकनी में, वहाँ पे इतना दूर तक ही है, यहाँ पे मुंबई पे जो भी हाई राइजिंग फ्लैट है वो उतना दूर तक ही है। आपको अगर सेफ्टी के लिए अलग से लगाना है तो सेफ्टी ग्रिल आता है, मतलब इनविजिबल ग्रिल आता है, लगाना पड़ता है, लेकिन बहुत कम लोगों ने लगाया है। अगर किसी का बच्चा है तो उनको लिए लगाना पड़ता है, अदरवाइज कौन वहाँ से जंप करेगा। अगर किसी को जंप करना है स्टूल पे चढ़ के जंप करना पड़ेगा। तो चाय खत्म भी होगी ये जगह, लेकिन बैठने के लिए स्वीटी तो कभी कभार वो जगह पे देखो थे बुक्स इसीलिए तो रखा है, एक बास्केट बुक्स है, बैठ के वहाँ पे मतलब थोड़ा बैक रेस्ट करके बुक्स पढ़ती है। शांतनु यहाँ पे मूवी एंजॉय कर रहे नीचे से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल पे नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी मिलते हैं कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। देखो तो इस तरह से मूवी एंजॉय होता है, स्क्रीन पे क्या क्या दिख रहा है पहले ज़माने पे जैसा।